मेरे घर वालों ने मुझे तुम जैसे लड़के से मिलने के लिए भेजा है यहाँ, और तुम 10th पास आउट मुझ जैसी लड़की के साथ शादी करने के सपने सजा रहे हो। और तुम कितना कमा लेते हो? 10,000, 15,000, 30,000, इतने के तो मैं शूज पहनती हूँ मिस्टर। हाय, वेलकम विराट, वेलकम टू आवर प्लेस। नाइस, मतलब काफी अच्छी सोसाइटी आपकी, बढ़िया सोसाइटी है। तुम्हें तो लगी ही होगी अच्छी, ऐसी प्रीमियम जगहों पे जाने का तुम्हें मौका ही कहाँ मिलता होगा। वेल, कुछ लोगे? ऑर्डर करो कुछ। नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आया था। वैसे आपको नहीं लगता हमें कहीं बाहर मिलना चाहिए था? आई मीन किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वहीं पे ऐसे मीटिंग्स अच्छी लगती है ना शादी वाली। टेंशन मत लो, तुम्हें खेलने को नहीं बोलूँगी। वैसे भी मुझे पता है तुम्हें कहाँ ही खेलना आता होगा। और यार, इतनी गर्मी में मैं थोड़ी बाहर जाऊँगी किसी से मिलने। मैं किसी से मिलने नहीं जाती हूँ बाहर। जिसको मुझसे मिलना होता है ना, वो मेरे प्लेस पे आता है जहाँ मैं उसे बुलाती हूँ। इसलिए तुम आज यहाँ आए हो। वो तो ठीक है, लेकिन शादी की जरूरत तो आपको भी है, तो आप भी मिलने आते तो चलो। खैर कोई बात नहीं, बात ही करनी है यहीं पे। हाँ हाँ, और वैसे भी जो भी बात करनी है यहाँ भी तो हो सकती है। हम इस सोसाइटी के ना VIP मेंबर हैं, तो मैंने आज ये पूरा क्लब हाउस बुक किया हुआ है। अब यहाँ कोई नहीं आने वाला और हम दोनों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली, तो जो बात करनी है करो। काफ़ी पावरफुल बंदे हो आप तो फिर। वो तो है। चलो छोड़ो, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मतलब आप जैसी लड़की अरेंज मैरिज के लिए लड़के से मिलने, अजीब सा लग रहा है। मतलब था, US से चला गया और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। और सच बताऊँ, मेरा ना ये शादी वादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये तो घर वालों का प्रेशर है, इसलिए बस आज तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया। वेल, तुम बताओ कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है तुमने? छोड़ो ना, पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ और पूछो मेरे बारे में। ऐसे कैसे छोड़ दे भाई, इंसान अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पढ़ाई करने में गुजारता है और तुम कह रहे हो कि छोड़ो। बताओ कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है तुमने? छोड़ो ना, पढ़ाई के बारे में क्या पूछे जा रहे हो आप, क्या ही रखा है इन सब चीज़ों में, कुछ और पूछो। मेरी हॉबी के बारे में पूछो, या मुझे खाने में क्या पसंद है, ऐसा कुछ पूछो ना। अरे भाई बताओ कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है, तभी तो पता चलेगा क्या स्टेटस है तुम्हारा, कहाँ स्टैंड करते हो तुम। औकात चेक करने के लिए बुलाया क्या तुमने? ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ मैं, सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है मैंने। क्या 10th पास आउट हो तुम? तुम 10th पास आउट हो और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे घर वालों ने मुझे तुम जैसे लड़के से मिलने के लिए भेजा है यहाँ। तुम्हें पता है मेरे घर का रामू काका भी 12th पास आउट है, और तुम 10th पास आउट मुझ जैसी लड़की के साथ शादी करने के सपने सजा रहे हो। तुम्हें पता है मैंने कैसे कैसे लड़के रिजेक्ट किए हैं जिन्होंने BTech, MTech, बड़ी बड़ी MNC कंपनी में जॉब करते थे। मंथली सैलरी पता कितनी थी? 2 लाख, 2.5 लाख। और तुम कितना कमा लेते होगे? 10,000, 15,000, 20,000, इतने के तो मैं शूज पहनती हूँ मिस्टर। मैम, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। महीने का 10-15 हज़ार, 10-15-20 लाख की तो मैं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपनी कंपनी में। मेरी खुद की कंपनी है, और जिस MTech, BTech वालों की तुम बात कर रही हो ना, वो सब मेरे अंडर काम करते हैं। और तो जिस तुम ये प्रीमियम सोसाइटी में रह रही हो ना, इसका इन्वेस्टर भी हूँ। लगता तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें अच्छे से बताया नहीं। वेल, कोई बात नहीं, अब जब घर वापस जाओगे तो पूछना उनसे, जिस लड़के से तुम आज मिलने गई थी, या फिर जिस लड़के ने तुम्हें आज रिजेक्ट किया है, वो लड़का आखिर करता क्या। मम्मी यार, मैं नहीं जा रही कहीं बाहर मिलने, मैंने उसको यहीं क्लब हाउस में बुला लिया, मैं यहीं थी, मैं नहीं जा रही कहीं बाहर। तू भी ना बहुत जिद्दी है, अगर शादी की बात करनी थी तो बाहर जाके करती, उसको घर पे क्यों बुलाया। अच्छा मुझे ये तो बता दो कि लड़का है कौन, क्या करता है। अरे
है तो पहले उससे मिल तो ले, देख उससे शादी की बात कर, समझ उसका नेचर देख, तुझे फिर समझ आएगी तो फिर मैं तुझे बाद में सब बता। ठीक है यार, रखो फोन। यहाँ पे डिग्री देख के रिश्ते होते हैं, लेकिन डिग्री वाले जॉब करते हैं और बिना डिग्री वाले धंधा करते हैं। और सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जिंदगी में सफल कौन होता है। बट कोई बात नहीं, विश यू द बेस्ट। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिले जो महीने का 2-3 लाख से ज़्यादा कमाता हो, एम टेक बी टेक एम एन सी में जॉब करता हो। और अगर तुम्हें ऐसा लड़का ना मिले ना तो मुझे बोल देना, क्योंकि मेरी कंपनी में ऐसे बहुत लड़के काम करते हैं। बाय, गुड लक।